कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर थर्ड कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की गई है, की जा रही है, जिसका मकसद है 29 तारीख को 29 सितंबर को हमने एक विराट रैली रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए, और वो रैली को पोस्टपोन करने के लिए क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं यूएलबी की और पंचायत इलेक्शन जो अनाउंस की हैं उसी के मद्देनज़र हम इसे पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस अथॉरिटी के साथ हम फुली कोऑपरेट करते हैं, और ये इलेक्शन के बाद जब सेक्टर जहाँ आएंगे उसके बाद ये हमारी जो रैली जो निकाली जाएगी हज़ारों की तादाद में रैली निकाली जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की सेक्टर आने के बाद, और हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नेक्स्ट जो डेट है अनाउंस कर दें। इन द मी टाइम हम जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे सभी से अपील करता हूँ ताकि वो अपनी स्ट्रगल जो जारी रखें, मास मोबिलाइजेशन जारी रखें, ताकि अगली जो हमारी रात रैली है उसमें जोर शोर से वो सभी ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा ले सकें। जय भीम जय जी। मैं श्याम लाल बसन, प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के दल चेतरा मंच। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है, जो 29 सितंबर को हमने एक विराट रैली रखी थी उसे पोस्टपोन करने के लिए आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्योंकि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन अनाउंस की है यूएलबी की पंचायत इलेक्शन जो अनाउंस की हैं उसी के मद्देनज़र हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस अथॉरिटी को फुली कोऑपरेट करते हुए हम इसे पोस्टपोन करते हैं, और जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सभी से अपील करता हूँ ताकि अपनी कंटिन्यू रखें, स्ट्रगल कंटिन्यू रखें, और मोबिलाइजेशन है उसे कंटिन्यू रखें ताकि आने वाले टाइम में जो सेक्टर जहाँ आ जाएंगे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगली डेट हम अनाउंस कर देंगे। जय भीम जय भारत।